दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग रिन्यूड मिनी पीसी के बारे में बात करने वाले हैं। मार्च 2024 चल रहा है, क्या न्यू प्राइसेस हैं, और हम इस वीडियो के अंदर उन मॉडल्स की बात करेंगे जो बिल्कुल रनिंग में चल रहे हैं, खूब बिक रहा है, जिसने लोगों को बिल्कुल भी सेटिस्फाई किया है। उन सारे मॉडल्स की हम लोग बात करेंगे और न्यू प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं और कौन सा मॉडल का प्राइस इस मंथ में ठीक है और कौन सा ओवर प्राइस चल रहा है, इन सारे बातों पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ, क्योंकि मॉडल्स तो सारे ही चलते रहते हैं, प्राइसेस सारे ही आपको मिलते रहते हैं, लेकिन ये कैसे पता लगे कि कौन सा मॉडल इस वक्त सही प्राइस में चल रहा है, जिसे मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो मॉडल है HP 800G3, बिल्कुल रनिंग मॉडल है ये। इसके अंदर कई सारे मॉडल आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेल हो रहे हैं। i3 का 6th जनरेशन प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा दिखता है, 16GB रैम के साथ में आता है, 480GB का SSD इसके अंदर लगा हुआ है। 16GB रैम है, थोड़ी सी हैवी फाइल पे काम करना है, जिनको बड़ी बड़ी फाइल खोलनी होती है उनके लिए 16GB बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। USB 3.0 के साथ में आता है। बहुत ही ज्यादा हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा मॉडल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वीडियो के साथ में जरूर बने रहिए, इससे पता लगेगा कौन सा ओवर प्राइस्ड हो रहा है इस वक्त, हम उस पर भी चर्चा करते रहेंगे और साथ ही साथ चलते रहेंगे। प्राइस की बात करें, i3 6th जनरेशन प्रोसेसर थोड़ा सा जो है डाउन है, लेकिन 16GB है, जिसकी वजह से इसका प्राइस 10,999 रुपए है। इसका 16GB के साथ में अगर हम देखें तो भी प्राइस थोड़ा सा ओवर चल रहा है, इसको 10,000 से नीचे आना चाहिए। 10,000 के नीचे अगर 16GB मिलता है तो आपके लिए सही होगा, अभी फिलहाल ये लेने लायक नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मॉडल यही है, i3 7th जनरेशन आ जाता है। i3 7th जनरेशन 8GB रैम और 240GB SSD के अंदर आता है, विंडोज 11 प्रो इसके अंदर आपको मिल रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। अगर आपको लेना है आज के रेट में, अगर i3 का 7th जनरेशन लेते हैं तो इसका परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज्यादा इनहेंस होकर के मिलेगा 6th जनरेशन से। बहुत ही प्रैक्टिकली आपको लगेगा कि आप थोड़े से लेटेस्ट जनरेशन पे जा चुके हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अभी फिलहाल ये ओवर प्राइस चल रहा है, 15,499 रुपए है। गलती ना करें आप, इसीलिए मैं इन सबको लिस्ट में लिया हूं कि कई बार लोग इसी प्राइस में खरीद लेते हैं तो बाद में लगता है कि आपने महंगा खरीद लिया। तो ये 15,500 रुपए फिलहाल प्राइस है और ये जो चलता है 14 से नीचे अगर आपको मिल रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, फिलहाल ये ओवरप्राइस्ड है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो i5 6th जनरेशन के अंदर 16GB रैम के साथ में 480GB है और विंडोज 11 प्रो के साथ में एमएस ऑफिस भी है, USB 2.0, मॉडल वही है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं पिछले दो मॉडल की। तो ये जो मॉडल अभी फिलहाल चूंकि 16GB है, 16GB i5 6th जनरेशन है, 12,885 रुपए है, ये प्राइस सही है इसका, क्योंकि ये जो है 8GB का प्राइस है, लेकिन 16GB में मॉडल मिल रहा है, 8GB में जो है ये 12,000 के आसपास में मिलता है, तो 16GB में 12,885 रुपए प्राइस बहुत अच्छा है। अगर इस वक्त लेना है तो ये वाला मॉडल आप बाय कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, 16GB मिल रहा है इस वजह से, और 8GB के आसपास में है तो 11,000 के आसपास में मिल रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी अगला जो मॉडल है वो आ जाते हैं डेल के अंदर। डेल के अंदर भी बहुत सारे मॉडल हैं, वो सारे के सारे रनिंग में है, लोग बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं डेल से। डेल ऑप्टिलेक्स का 7040 मॉडल बहुत ही ज्यादा बिक रहा है और इसके अंदर अगर हम बात करें i3 6th जनरेशन 8GB DDR4 रैम के साथ में आ रहा है, 256GB SSD के साथ में आ रहा है। जेन 3 के SSDs होती हैं 256GB, 512GB, ये जो सीरीज होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, जिसके साथ में DDR4 का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही फिट बैठता है, ये दोनों मिलकर के बहुत अच्छा स्पीड निकाल करके दे देती हैं। i3 भले ही 6th जनरेशन भले ही है, लेकिन जितने सारे नॉर्मल वर्क है आपका, उन सब कामों के लिए ऑफिशियल यूज करना है, ऑनलाइन क्लासेस करना है, अपने बच्चे को कंप्यूटर सीखने के लिए देना चाहते हैं, इन सारे कामों के लिए ये जो स्पेसिफिकेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर कोई शॉप है फोटोशॉप कोरल ड्रॉ वगैरह में डिजाइन करना चाहते हैं तो वो सारे काम ये बिल्कुल भी कराएगा आराम से, बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं। प्राइस की बात करें 9,899 रुपए, बहुत ही बेहतरीन प्राइस है अगर हम बात करें डेल के हिसाब से इस बजट की, तो इस प्राइस पर बिल्कुल भी आप बाय कर सकते हैं। अगला है i5 6th जनरेशन के साथ में डेल ऑप्टिलेक्स का ही 7040 ही मॉडल है और ये जो है 8GB DDR4 रैम के साथ में 512GB SSD के साथ में बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन है, विंडोज 11 के साथ में वाईफाई सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा है, DP पोर्ट के साथ में ये आने वाला है, बहुत ही प्यारा मॉडल है और डेल को इस प्राइस में पहले कभी नहीं देखा गया, जिस प्राइस में भी देखा जा रहा है, इसका प्राइस 11,174 रुपए दिखा रहा है। i5 6th जनरेशन के साथ में
कमाल का प्राइस है, i5 है, 8GB 512GB SSD, इस वक्त लेना है ये बहुत ही बेहतरीन ये प्राइस में मिल गया अगर, तो आप ये लकी हैं, आप इसको बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्राइस है इसका। USB 3.0 का सपोर्ट मिलता है, डिस्प्ले के लिए DP पोर्ट का सपोर्ट मिलता है, और क्या ही आपको चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो डेल एप्टिलेक्स इसी मॉडल के अंदर 7040 के अंदर ही i7 6th जनरेशन अगर आपको चाहिए, 8GB रैम और 256GB SSD में फिलहाल अवेलेबल है। इसका प्राइस 23,999 रुपए दिखा रहा है, जो कि 21-22,000 के आसपास में अगर ये मिलता है तो i7 का 6th जनरेशन आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दे सकता है और प्राइस भी सही रहेगा। थोड़ा सा ओवर प्राइस का भी फिलहाल चल रहा है, ये 20-21 के आसपास आ जाता है, तुरंत उठाइए i7 का 6th जनरेशन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है और ये काफी फेमस भी रहा है पुराने समय में। जो लोग i7 6th जनरेशन पे काम कर रहे हैं आज भी उस पे काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकाल करके दे देता है। आगे जो अगली सीरीज है वो डेल ऑप्टिलेक्स का ही 3040 सीरीज है। इसके अंदर i3 6th जनरेशन 16GB रैम 480GB वाली, इसके अंदर आपको SSD मिलने वाली है जो कि साटा में मिलेगी। थोड़ा सा ओल्ड वाला मॉडल है ये SSD का, साटा SSD, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है, लेकिन जो वो सीरीज है आपका Gen 3 वाली, उससे थोड़ा सा ये डाउन रहती है। प्राइस की बात करें तो 10,415 रुपए, जो कि ओवर प्राइस चल रहा है, बिल्कुल भी बाय नहीं करना है इस वक्त। अगर आपको लेना है तो जो Gen 3 वाली SSD हमने बताया 256GB वाली, वो अगर लेते हैं इस वक्त प्राइस वाइज बहुत अच्छा है, वो आप बाय कर सकते हैं। इसको नहीं लेना है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं बाय करते समय, इसलिए मैंने लिस्ट में लिया है कौन सा लेना सही होगा कौन सा नहीं लेना सही होगा, उसके बारे में हम लोग डायरेक्ट बात करते हुए चल रहे हैं। इसी सीरीज के अंदर जो है आपको मिल जाता है i5 6th जनरेशन 8GB 480GB SSD के साथ में है, विंडोज 11 में अपग्रेडेड है, बाकी USB 3.0 सारा चीज वही है। अब यहां पर ये मॉडल आपको बाय करने लायक है, i5 का 6th जनरेशन है, 8GB रैम है, 480GB है, भले ही साटा SSD है, लेकिन इसका प्राइस 9,799 रुपए है, ये कमाल का प्राइस है, इस प्राइस में मिल जाता है, बिल्कुल आप इसको उठा सकते हैं, क्योंकि i5 का 6th जनरेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से इस प्रोसेसर आपको थोड़ा सा अच्छा मिल जा रहा है और परफॉर्मेंस आपको निकाल करके दे देगा, ठीक ठाक प्राइस वाइज बहुत बेहतरीन मॉडल है। अगले मॉडल की अगर हम बात करें तो डेल ऑप्टिलेक्स का 3060 है, जो मॉडल हमने बाय किया है और इसका पूरा रिव्यू हमने किया हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है, इसको ओपन करके दिखाया है कैसा दिखता है, अंदर में कैसा दिखता है, क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने दिखाया हुआ है, बहुत सारे जिस मॉडल की हम लोग बात करें सब मॉडल्स का मैंने बिल्कुल डिटेल्ड रिव्यू हमने बाय किया हुआ है मार्केट से और आपको हमने दिखाया हुआ, वो सारे चैनल पे पड़े हुए हैं, जाकर के देख सकते हैं। और ये जो मॉडल है वो i3 का 8th जनरेशन है, इसका गेमिंग टेस्ट, वर्किंग टेस्ट, मल्टीटास्किंग टेस्ट, सारा कुछ हमने टेस्ट करके दिखाया हुआ है, कौन कौन सा गेम इस पर आप प्ले कर सकते हैं वो सारी चीजें हमने दिखाया हुआ है, आप बिल्कुल जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। ये i3 का 2.5GHz पे काम करता है, 8GB रैम और 240GB SSD के साथ आता है, सेम वेरिएंट को मैंने बाय किया था और चैनल पे रिव्यू किया हुआ है, USB 3.0 के साथ में आता है और प्राइस की बात करें तो फिलहाल 13,000 रुपये चल रहा है, जो कि ठीक ठाक प्राइस है, हमने इसको 14,000 कुछ रुपये में बाय किया था, लेकिन फिलहाल जो है i3 का 8th जनरेशन है इसीलिए थोड़ा महंगा होगा। लीगली विंडोज 11 इसके अंदर आप जो है रीइंस्टॉल कर सकते हैं कभी भी लाइफ में, इसीलिए एक अच्छा मॉडल ये आपके लिए हो सकता है क्योंकि 8th जनरेशन के साथ में है और प्राइस भी फिलहाल 13,000 ठीक ठाक प्राइस है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो डेल एप्टिलेक्स में ही 3070 मॉडल, जो कि i3 9th जनरेशन के साथ में है, ये तो और भी कमाल का मॉडल है। i3 9th जनरेशन 3.1GHz तक पे काम करता है, 16GB रैम है, 480GB SSD लगी हुई है, विंडोज 11 प्रो के साथ में आने वाला है, बाकी सारे फीचर वही रहने वाले हैं, USB 3.0 मिलेगा, VGA पोर्ट मिलेगा, DP पोर्ट मिलेगा, सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल जो है ये स्टॉक में नहीं है, जब मैं लिस्ट आउट कर रहा था तो था ये करीब 18,000 के आसपास में था, लेकिन 9th जनरेशन है इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी बाय करें अगर स्टॉक में आपको मिल जाता है तो। बाकी नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं लेनोवो थिंकसेंटर, जिसका भी मैंने फुल रिव्यू किया हुआ है, i5 6th जनरेशन का किया हुआ है मैंने, गेमिंग टेस्ट भी किया हुआ है, वीडियो एडिटिंग टेस्ट भी किया हुआ है, सारे सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल करके आपको दिखाया हुआ है, ओपन करके दिखाया हुआ है कैसा दिखता है अंदर से, सारी चीजें हमने दिखाया हुआ है इसका, बिल्कुल चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। और ये जो है लेनोवो थिंकसेंटर का M700 है और ये i3 6th जनरेशन के साथ में, मैंने i5 का रिव्यू किया हुआ है, जिनका बजट बहुत ही ज्यादा कम है वो i3 के साथ जा सकते हैं नॉर्मल वर्क के लिए। 16GB रैम है DDR4 का और 256GB SSD इसके अंदर लगी हुई है, Gen 3 की SSD है जो कि बहुत
अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगी। और विंडोज 11 के साथ में आएगा डीपी पोर्ट के साथ में आपको देखने को मिलेगा। प्राइस बहुत ही अच्छा है, 9499 रुपए है, जो कि प्राइस बहुत अच्छा है क्योंकि 16GB के साथ में है। 8GB के साथ में अगर दिखाई दिया तो मैं आपको दूंगा, जो कि 8000 कुछ रुपए का ये आता है, लेकिन चूंकि 16GB है तो 9499 रुपए प्राइस बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप इसको उठा सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें i5 6th generation, जिसका रिव्यू हमारे चैनल पर मिलेगा, i5 6th generation 8GB DDR4 रैम है, 512GB SSD है। इसको हम लोगों ने अपने यहाँ नेटवर्किंग में यूज कर रहे हैं, करीब करीब 1 से 1.5 साल हो गया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दे देता है, बहुत ही बेहतरीन यूज में आ रहा है। प्राइस इसका बहुत अच्छा है, मैंने जब बाय किया था 12,800 में बाय किया था, आज के रेट में 10,600 रुपए हो रखा है, कमाल का प्राइस हो रखा है। इन सारे पीसीज में प्राइस वाइज अगर हम देखें तो डेल का कुछ मॉडल जो कि मैंने बताया अभी, और लेनोवो का ये मॉडल बहुत ही कमाल का, बहुत ही शार्प है, बहुत ही शार्प चलता है, बहुत ही बेहतरीन वर्किंग में है। आप इस मॉडल को बिल्कुल उठा सकते हैं, इस मॉडल में मिल गया तो आप एक लकी पर्सन हो सकते हैं, आप इसको बिल्कुल उठाइए। बिल्कुल डिटेल्स में जानना है तो चैनल पे रिव्यू है, टेस्टिंग इसका हमने पूरा दिया हुआ है, जाकर के वहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसी मॉडल के अंदर आपको i5 8th जनरेशन मिलने वाला है, लेनोवो थिंकसेंटर के अंदर ही i5 8th जनरेशन, लीगली विंडोज 11 जो है आप इसको अपग्रेड कर पाएंगे। 16GB रैम है, 512GB SSD है, इसका बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन है 8th जनरेशन के वजह से। प्राइस इसका जो है 18,400 रुपए फिलहाल ओवर प्राइस हो रहा है, इसको 16,000 के आसपास होना चाहिए, उसके आसपास अगर रहता है आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि 8th जनरेशन के साथ में है, लीगली विंडोज 11 चलेगा, फ्यूचर में 2-3 साल आगे तक जो है आप काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें Asus Chromebook 3 i7 8th जनरेशन, इसको भी मैंने ओपन करके दिखाया हुआ है, गेम टेस्ट, सारे सॉफ्टवेयर टेस्ट, वीडियो रेटिंग टेस्ट, सब कुछ हमने टेस्ट किया हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं, कमाल का ये भी अपने आप में रहने वाला है। लेकिन इसके अंदर अपग्रेडेशन उतना नहीं मिलता है जितना कि पिछले वाले सारे मॉडल्स मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर अपग्रेडेशन उतना जरूरत भी नहीं है। i7 का 8th जनरेशन है, 8GB रैम है, जो कि आप इसके अंदर 16GB लगा सकते हैं तो और इसका परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगा, बाकी कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, बाकी सारी चीजें ठीक है, स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर सिंगल ही जो है आपको साटा SSD देखने को मिलेगा, स्टिक वाली, जो कि आप उसको निकाल करके दूसरा लगाएंगे, बाकी कोई चीज अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो SSD लगी उसको निकाल करके ही दूसरा SSD आपको लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक इसके अंदर है। बाकी सब जो सारी चीजें हैं उसके अंदर आप जो है जो स्टिक है उसको आप लगा सकते हैं, आप साटा वाली बड़ी वाली जो 2.5 वाली SSD आती है उसको लगा सकते हैं, ड्राइव लगा सकते हैं बाकी सारे मॉडल में, लेकिन इसके अंदर जो SSD लगी हुई उसको निकाल करके ही दूसरा अपग्रेड करेंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये i7 8th जनरेशन है इसीलिए परफॉर्मेंस अच्छा निकाल करके दे देता है। बाकी सारी चीजें अपग्रेडेड है, 3 डिस्प्ले के साथ में आप इसको ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यूएसबी टाइप सी मिलता है, HDMI 4K डिस्प्ले को आउट करता है, ये बहुत अच्छी बात है। प्राइस की बात करें तो 17,899, थोड़ा सा ओवर प्राइस हो रहा है, ये 16,500 के आसपास में मिल जाता है, देखने को मिला है, हमने भी खरीदा था 16,000 रुपए में, जो कि चैनल पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल आप उसको चेकआउट करें। तो इस तरीके से दोस्तों इस महीने का इसका रिजल्ट रहे हैं, कौन कौन से बाय करने वाले थे, प्राइस के अंदर जो मिलता है आप उसको बाय करें और इसको यूज करें, बजट कम है तो मिनी पीसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका भी शुक्रिया।